हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड परिसर में आज एक पत्रकार वार्ता को आयोजित किया और वहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान करने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं और इसके माध्यम से एक ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को देना चाहते हैं जिसके दम पर बच्चे वैश्विक बन सके और विश्व की ज्ञान की वो शक्ति भारत बने, जिस दिशा में ये शिक्षा नीति कार्य कर रही है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि विश्व बैंक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लिए 6.5 करोड़ स्टार प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाया गया है। उन्होंने कहा कि स्टार प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में स्टेट होल्डर के साथ बैठक, छोटी मीटिंग करेंगे और उसमें विचार मंथन किया जाएगा और उसके उपरांत जो एक्शन प्लान बनेगा उस पर भी भारत सरकार और विश्व बैंक से चर्चा की जाएगी। आप भी सुनिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का क्या कुछ कहना है। साथियों, मैं पिछले कल धर्मशाला आया था और धर्मशाला में हमने पिछले कल एक समग्र शिक्षा के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक विचार मंथन का कार्यक्रम रखा था और जिस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी हमने विश्व बैंक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लिए 650 करोड़ रुपए का स्टार्स प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया है और जिसके अंतर्गत उद्देश्य रखा गया है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, और उसके अंतर्गत हमने एक निर्णय लिया है कि स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में हिमाचल प्रदेश के 12 के 12 जिलों में स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ करके छोटी मीटिंग्स करेंगे और उसमें विचार मंथन करेंगे और उसके आधार पर जो एक्शन प्लान बनेगा वो एक्शन प्लान हमारा भारत सरकार से और विश्व बैंक से भी उस पर हमारी चर्चा होगी। नई शिक्षा नीति पर बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत अब तीसरी, पांचवी और आठवीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनके परीक्षा परिणाम और परीक्षा लेने का काम भी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। वहीं पिछले कल मंगलवार को शिक्षा मंत्री प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर परामर्श कार्यशालाओं का आयोजन करने और स्टार प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी उनके द्वारा किया गया था। उन्होंने बताया कि ये स्टार प्रोजेक्ट विश्व बैंक के सौजन्य से भारत सरकार द्वारा देश के 6 राज्यों में चलाया जा रहा है जिसमें हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और राजस्थान है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को शुरुआती शिक्षा और मजबूत अधिगम तथा आधारभूत संरचना को बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट 5 वर्षों तक कार्य करेगा। किस तरह से ये परीक्षाएं होंगी और किस तरह से ये स्टार प्रोजेक्ट कार्य करेगा, ये आपको सुनवाते हैं। देखते हुए हिमाचल प्रदेश के विद्यालय ऐसे हैं जहां पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी या खेल मैदान नहीं है, तो ऐसे में इस चुनौती को कैसे आप एड्रेस करेंगे? देखिए, आपका प्रश्न बहुत उचित है। वैसे हमारे अधिकतर विद्यालयों में खेल के मैदान हैं और बच्चे खेलते हैं और हमारे अच्छे खिलाड़ी भी निकलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ जो हमारे बहुत पहाड़ी क्षेत्र हैं कि जहां पर इस प्रकार की समस्या है कि खेलने के लिए मैदान नहीं मिलते या फिर हमारी भूमि का, अब ऐसी सब समस्या है, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता इन सब के बीच में निकालेंगे। और इसके बाद ये भी है कि भाई इन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हमने कहा छोटे लेवल पर भी और सीनियर सेकेंडरी और बीआरसीसी लेवल पर भी छोटे क्लस्टर भी बनाने वाले हैं ताकि वहां पर भी बच्चों को उसकी सुविधा मिल सके, आसपास के 4-5 विद्यालय मिल करके, और ताकि एक जगह पर ही बच्चों का प्रतियोगिता भी बढ़ेगी और उनको वहां पर हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करके दें, तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। वहीं राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा ने प्रदेश में किए जा रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के
प्रयासों पर प्रस्तुति दी और जिला परियोजना अधिकारी विनोद चौधरी ने जिला में किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में विद्या भारती उत्तर क्षेत्र महामंत्री तथा राज्य टास्क फोर्स सदस्य देसराज शर्मा ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों पर अपनी प्रस्तुति दी। इसके उपरांत सभी हितधारकों के 10 समूहों में स्कूली शिक्षा के 10 विषयों पर चर्चा परिचर्चा करके सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों पर क्रियान्वयन करने को प्रतिबद्धता दिखाई। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में नगरोटा बगवा के विधायक अरुण मेहरा, शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सोनी, उपनिदेशक उच्च शिक्षा रेखा कपूर, उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा महेंद्र कुमार, जिला परियोजना अधिकारी कांगड़ा विनोद चौधरी, जिला परियोजना अधिकारी चंबा राजेश शर्मा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के राज्य टास्क फोर्स सदस्य डॉक्टर जोगिंदर सिंह, यशवंत दीपक आज प्रस्तुत रहे। इस मीटिंग में उन्होंने भी अपनी भागीदारी दर्ज करवाई और इसके उपरांत शिक्षा मंत्री ने शिक्षा नीति को लेकर और क्या कुछ विशेष बातें कही, आइए आपको सुनवाते हैं। बोर्ड कुल मिलाकर के इनके जो यानी जो एग्जामिनेशन जो पेपर है, पेपर बोर्ड तैयार करेगा और उसमें हमने कहा कि जो तीसरी कक्षा का बोर्ड का जो यानी जो पेपर है, पेपर तो एजुकेशन बोर्ड बनाएगा लेकिन तीसरी कक्षा के जो पेपर है वो चेक होने का जो काम वो वहाँ CHT लेवल पर ही किया जाएगा और जो पांचवी का है वो परीक्षा को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उसको करेंगे और जो आठवीं क्लास का उसका पेपर भी और परीक्षा परिणाम निकालने का जिम्मा भी वो एजुकेशन बोर्ड पर रहेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने तैयारी की है और साथ में उसने ये भी कहा है कि कई पैरामीटर तय किए हैं। अब केवल मात्र यही नहीं कि पढ़ाई के नंबर लगेंगे, अब धीरे धीरे शिक्षा नीति के अंतर्गत जो रट्टा मारने वाली जो प्रवृत्ति थी उसको दूर करने की कोशिश की गई है और अब तो ये भी कहा गया कि पढ़ना नहीं, अब ज्यादातर हम कहेंगे सीखना, लर्निंग की बात। खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हिमाचल अभी अभी के साथ। नमस्कार। या तो रख साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।